हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और हम लोग औसत धारा यानी एवरेज करंट कैसे निकालते हैं। एवरेज करंट अगर एक पूरी साइकिल के लिए निकालते हैं तो हमारा जीरो हो जाता है। आपने बताया कि हाफ साइकिल के निकाला था 2/π I0, जहाँ आई नॉट क्या था, धारा का शिखर मान था, पीक वैल्यू थी। अगर हम एक पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये हमारी किसी काम का नहीं है, तो हमें क्या कौन सी करंट निकालनी होगी, RMS वैल्यू निकालनी होगी, यानी रूट मीन स्क्वायर निकालना होगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर कर लेते हैं। आपको क्या पता है, I=I0 sin² ωt, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। I²=I0² sin² ωt हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसका मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, एक पूरी साइकिल के लिए निकालना है तो I² का हम मीन निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं, आप 1/T कैसे निकलते हैं, 1/T 0 से T, एक पूरी साइकिल के लिए लिख रहे हैं। एक पूरी साइकिल के लिए आपको इस तरह से बताया था कि एक पूरी साइकिल के लिए 0 होता है, ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, T/4 हो जाएगा। ये हाफ साइकिल हो गई, T/2 आ जाएगा, ये कितना हो गया, 3T/4 आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका T हो गया। तो पूरी साइकिल के लिए लिख रहे हैं तो 1/T 0 से T हो जाएगा, और ये I0² sin² ωt dt हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चूँकि सेंस T=2π/ω होता है तो इसकी भी वैल्यू रख लेते हैं, I0 I² ठीक है = ये कितना हो जाएगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, 2π हो जाएगा, 0 से ये आपका हो जाएगा 2π/ω हो जाएगा, I0² हो जाएगा, और साइन स्क्वायर हम क्या लिख लेंगे, 1 cos 2ωt/2 ठीक। ऐसा कर लेने से इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को कॉमन कर लिया, ω/2π I0² ये बाहर आ गया और / 2 भी बाहर आ गया। अब कितना बच गया, 1 बच गया। इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2π/ω, कितना बचा, 1 cos 2ωt dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करने पर देखिए क्या आता है आपका, तो ये आपका आ जाएगा I²/ω, ये आपका आ जाएगा ω/4π I0² और ये आपने इंटीग्रेट कर दिया तो 1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, माइनस कॉस का साइन 2ωt/2ω और 0 से 2π/ω। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी 2π/ω और जब यहाँ पर 2π/ω रखेंगे तो देखिए कैसे बनता है आपका, साइन 2 और ओमेगा इंटू 2π/ω/2ω। जब 0 रखेंगे तो 0 यहाँ पर रखेंगे तो देन 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 4π, साइन 4π की वैल्यू 0 होती है तो ये भी पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, ω/4π I0² × 2π/ω। तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2। तो अब हमने क्या ले लिया था, हमने क्या क्या कर दिया था, हमने स्क्वायर कर दिया था और हमने मीन निकाल लिया। अब रूट लेना बाकी है, रूट ले लेंगे। तो अगर हम इसका रूट ले लेते हैं, इसका रूट ले लिया तो ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ये वैल्यू हमारी कहलाएगी I RMS वैल्यू कहलाएगी।
आई आर एम एस, इसका रूट ले लेते हैं तो कितना बचा, ये आई नॉट अपान रूट टू, आई नॉट अपान रूट टू, तो ये आर एम एस वैल्यू होती है। आई नॉट तो आप जानते हैं आई नॉट क्या है, इसका शिखर मान है। अगर इसे और सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट टू अपान टू इन टू आई नॉट, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414 अपान टू आई नॉट, तो इसको कितना लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट। ये कौन सी वैल्यू है, ये आई आर एम एस वैल्यू है। अगर आई आर एम एस वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मीन निकाल लेंगे, मीन निकालने के बाद रूट ले लेंगे और वो हमारी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, वो हमारी आर एम एस वैल्यू कहलाएगी। तो आर एम एस वैल्यू क्यों निकाली जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया, किस लिए निकाली जाती है, क्योंकि एवरेज करेंट जो हमारी है वो एवरेज करेंट जीरो आती है, तो एवरेज करेंट जीरो आ जाती है प्लस माइनस हाफ साइकिल होने के कारण, इसलिए हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ती है, आर एम एस वैल्यू निकालनी पड़ती है। और इस तरह से हम आर एम एस वैल्यू को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कि अगर हम सर्किट की बात करें, ठीक है, कि सर्किट हमारे कैसे बनते हैं और सर्किट में क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सर्किट किसी भी जो है अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। अल्टरनेटिंग अगर सर्किट की बात करें तो अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो टर्म हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाता है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका सिंबल कैसे है, इस तरह से आप रेजिस्टेंस को दिखा देते हैं जिसे हम लोग आर लिख देते हैं। दूसरा आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर जिसे दो पैरेलल लाइन बना करके आप इस तरह से दिखा देते हैं इसे कैपेसिटर कह देते हैं। तीसरा एक टर्म आपका आ गया इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जिसे इस कॉइल टाइप में बना करके इस तरह से दिखा देते हैं इसे हम लोग एल कह देते हैं। तो आपके पास तीन चीज़ें हो जाती हैं एल सी आर। एल सी आर अगर किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस को लगा दिया जाए, कैपेसिटर को लगा दिया जाए, या रेजिस्टेंस को लगा दिया जाए, या कॉम्बिनेशन से लगा दिया जाए, तो हमारे सर्किट का बिहेवियर, एसी सर्किट का बिहेवियर क्या हो जाता है और वो किस तरह से वर्क करता है। अगर इन तीन के कॉम्बिनेशन से या आपको सर्किट बनाने हो तो कितने तरह के सर्किट बन सकते हैं, 7 प्रकार के सर्किट बन सकते हैं। केवल कितने प्रकार के सर्किट बन जाएंगे, 7 प्रकार के सर्किट बन जाएंगे। इन 7 प्रकार के सर्किट्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से सर्किट बन सकते हैं, एक बन सकता है ओनली आर यानी जब केवल प्रतिरोध लगा हो, दूसरा ओनली सी यानी जब केवल कैपेसिटेंस लगा हो, और तीसरा ओनली एल जब केवल प्रेरकत्व लगा हो, जब केवल इंडक्टेंस लगा हो। दूसरा कॉम्बिनेशन से अगर ले लें यानी आर सी एल सी और सी आर, ठीक है, ये आपके कॉम्बिनेशन से हो गए, और तीसरा जो एक हो गया आपका एल सी आर, तीनों के कॉम्बिनेशन से। तो ये 7 प्रकार के सर्किट आपके बन जाते हैं इन तीन के कॉम्बिनेशन से। तो यानी तीन फैक्टर हैं आपके अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से, एक रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कैपेसिटर रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा इंडक्टेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीन कैपेसिटर के उनका बिहेवियर क्या हो जाता है, किसी एसी सर्किट में अगर लगा दें तो उनका बिहेवियर क्या हो जाता है। और उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, हम लोग फेज डिफरेंस जान लेते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस की बात करें तो V और I के बीच जो एंगल क्रिएट होता है, मान लीजिए सपोज करिए आपने वोल्टेज को आपने ऐसे दिखा दिया और करंट को आपने इस तरह से दिखा दिया, तो वोल्टेज और करंट के बीच, ये करंट के लिए है और ये वोल्टेज के लिए है, तो करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल क्रिएट होता है इसे हम लोग कौन सा डिफरेंस बोल देते हैं, फेज डिफरेंस बोल देते हैं। अब इस सर्किट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।